पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जबलपुर के भंवरताल पेट्रोल पंप पर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। छात्र संगठन का कहना है, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से महंगाई चरम पर पहुंच गई। सरकार आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दे रही है। पेट्रोलियम पदार्थ के साथ साथ खाने पीने की चीजें तक लगातार महंगी हो रही है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन मोदी सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। शर्म ना लिहाज है, लुटेरों का राज है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जैसे नारों से 2014 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से बाद से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल मूल्य वृद्धि, लगातार बढ़ रहे गैस के दामों को लेकर आज जबलपुर एनएसयूआई परिवार द्वारा पेट्रोल पंप जाकर पेट्रोल पंप में नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लगाकर पेट्रोल पंप के पाइपों के ऊपर हार चढ़ाकर आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है और केंद्र सरकार से ये मांग कर रही है जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दामों को कम किया जाए, गैस के दामों को कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। नहीं तो जबलपुर एनएसयूआई और युवक कांग्रेस मिलकर संपूर्ण जबलपुर बंद कराएंगे, जिसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। खराब दिन आएगा पेट्रोल के डीजल के जनता के लिए। जहाँ आदमी हफ्ते में एक बार जाता रहा, कहीं भी जाता रहा, देवी देवी कोई मंदिर मस्जिद, आज बड़ी मुश्किल में एक हफ्ते में 15 दिन में जा रहा है। कोई भी काम आदमी 10 दिन में करता रहा, आजकल हिम्मत नहीं तो 2 घंटा लगता है, या तो ऑटो में जाए या तो गाड़ी के किनारे खड़ा कर दे। भैया साइकिल ले लिया हूँ, उनका मजबूरी है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके से गाड़ी चला रहा हूँ और वो भी जबलपुर अस्पताल आया रहा पेट्रोल के चलते।